हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा शर्मा की प्यारी दुनिया में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज है हमारा पाड़ा का शीतला पूजा, जो ये हर जगह ही होता है, हर मोहल्ला में ही होता है। तो ये शीतला पूजा का छोटा सा एक वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये रहा हमारा पाड़ा का मंदिर। यहाँ पे शीतला पूजा, काली पूजा और दुर्गा पूजा, ये हम लोग का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारी बड़ी दादी माँ है जो ब्लू कलर का साड़ी पहन के गई। तो आज शीतला पूजा में मैं फास्टिंग की हूँ, तो मेरा दंडी काटने का नियम था जो मैं ये कर रही हूँ। ये तालाब से हम लोग नहा के, मैं और साथ में मेरी ननद भी है, ये जो येलो कलर का ड्रेस पहनी वो मेरी ननद है, और ये जो पिंक कलर के जो ये देख रहे हैं वो मैं मेरी सासू माँ पिंक कलर की साड़ी में, और ये रेड कलर की साड़ी में इधर चश्मा पहनी हुई है वो है मेरी मम्मी। तो हम दोनों के साथ चल रही है हमारी मम्मी और हमारी सासू माँ में हमारे साथ। तो इस तरह करके हम लोग दंडी काटते हैं, जिसे दंडी काटना बोलता है। वो एक्चुअली मेरा कुछ मन्नत था जो पूरा हो जाने के बाद ये शीतला पूजा में हम लोग इस तरह से दंडी काटते हैं। तो वो मन्नत मेरा पूरा हो गया है, तो इसलिए ये चीज़, ये पूजा मैं कर रही हूँ। तो ऐसे करके दंडी काटते हैं और सर पे पानी का छींटा देता है। बहुत जन रास्ता में भी पानी फेंकता है, धो देता है। तो ये जो रास्ता है ये मेरे हस्बैंड और मोहल्ला के बहुत सारे लड़के मिलके पानी दिए हैं, ये सब धो दिए हैं। तो इस तरह करके मैं ये पूजा कर रही हूँ। तो सोची कि चलो मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा ब्लॉगिंग शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली मैं तो वीडियो कर नहीं सक रही हूँ, तो मेरा भाई जो है आया था, वो छोटा मोटा क्लिक लिया था, तो मैं उसे ऐड करके, ज्वाइन करके आप लोगों को जितना हो सके कोशिश कर रही हूँ दिखाने का। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉगिंग। तो बस अब हो ही गया, एक्चुअली बहुत ही दूर है, एक मोहल्ला से और एक मोहल्ला दंडी काट काट के हमें आना पड़ा। उसके बाद जो उस दिन तो अच्छा ही लगता है ये पूजा करने में, सब भगवान का देन है, फास्टिंग करके ये पूजा हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद वाले दिन हालत बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो कोई बात नहीं, चलो भगवान जी सब पार ही कर देते हैं। तो हैप्पी हैप्पी करके मैं ये पूजा कर ली हूँ। आप लोगों के साथ में मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ को देख ही सक रहे हो, तो मेरे साथ साथ ही चल रहे थे। तो धीरे धीरे करके ये मेरा ये पूजा ख़त्म हो रहा है। तो मैं इसके बाद, ये करने के बाद मैं अंजलि दूंगी, अंजलि देके उसके बाद वो सब शायद ब्लॉगिंग में वो सब वीडियो कर ही नहीं पाई हूँ। तो उसके बाद हुआ रात, रात में हमारा दिन पे शीतला पूजा और रात में हम लोग का काली पूजा होता है। तो इस बार काली पूजा का जो मूर्ति है वो हमारे घर से हमारे फैमिली में जितने मेंबर है, हमारे अंकल लोग, हम लोग, मेरे पापा लोग, सब मिलके घर से काली भगवान जी का मूर्ति दिया गया है इस बार मोहल्ला पे, जो एक एक बार करके पड़ता है। तो सोच, ये देखो मुझे भी दिखे, मैं ब्लू कलर की साड़ी में हूँ, और मेरी ननद, मेरी दादी माँ, ये मेरी आंटी जो पूजा कर रही है, तो हमारी फैमिली ही है सब। तो ये काली माँ के लिए पानी लेने, वहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे पहले पानी, जैसे बंगाली लोग का नियम होता है पूजा का, तो उस नियम से ही पूजा हो रहा है। मैं और मेरी ननद बकबक भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा मैं वीडियो पीछे में दिखाई हूँ कि हमारे साथ कितने सारे आदमी हैं जो हमारे साथ गए हैं। तो मैं पूरा रात तो जग नहीं सकी, बट थोड़ा मोड़ा जितना ही हो सके वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये काली पूजा भी बहुत ही अच्छा से, बहुत ही मज़े से बीता है, हमें बहुत अच्छा लगा है। मैं आप लोगों को काली भगवान जी का मूर्ति भी दिखाऊँगी सामने से, ये देखो। तो स्टार्ट हो गया है, ये रात के पूरे रात हुआ था, सारा रात 4 बजे तक ये पूजा हुआ था। तो मैं 4 बजे तक रुक नहीं पाई थी, क्योंकि मेरा छोटा सा श्रेयांश था, वो रो रहा था। ये क्लोज से मैं आपको भगवान जी दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा है। तो प्लीज़ इस प्यारे भगवान जी के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और उसके दूसरे दिन ये होता है हम लोग का यात्रा, जो शीतला गान बोलते हैं, सुनाया जाता है। तो इसका भी छोटा सा क्लिक, मैं इसे देखना ज़रूरी भी होता है। तो मैं, ये अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।